रविंद्र जडेजा की परछाई में तबाह हो गया इस ऑलराउंडर का करियर। 5 मैचों में दूध में से मक्खी की तरह निकाला बाहर। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडरों में से एक है। यही वजह है कि वह हर फॉर्मेट में भारतीय टीम की पहली पसंद है। बेशक वह भारत की पहली पसंद है, लेकिन बीते कुछ महीनों से उनका प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा है। खासकर सीमित ओवरों के क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। उन्होंने T20 से जरूर संन्यास ले लिया है, लेकिन अब वह वनडे में भारत की पसंद है। लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में बल्ले से उनका योगदान कुछ खास नहीं रहा है, जबकि भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर मिला जिसका प्रदर्शन बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा रहा, लेकिन उसे सिर्फ 5 मैच खेलने के बाद नज़रअंदाज कर दिया गया। रविंद्र जडेजा की वजह से तबाही की ओर ये खिलाड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहबाज अहमद ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में भारत के लिए डेब्यू किया था। फिर उन्होंने T20 में भारत के लिए डेब्यू किया। उन्होंने भारत के लिए करीब 5 मैच खेले, लेकिन उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसकी वजह थे रविंद्र जडेजा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जडेजा के न होने की वजह से ही शाहबाज को भारतीय टीम में चुना गया। शाहबाज अहमद को नहीं मिल पा रहा मौका। इस दौरान शाहबाज का योगदान भी टीम इंडिया के लिए ठीक ठाक रहा। उन्होंने भारत के लिए 5 मैचों में 5 विकेट लिए, वनडे में 3 और T20 में 21। हालांकि बल्ले से उनका योगदान नहीं रहा। वनडे में 3 और T20 में 2, हालांकि बल्ले से उनका योगदान नहीं रहा, क्योंकि उन्हें बल्ले से ज़्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन अगर उन्हें 5 मैचों के अलावा और मौके मिलते तो वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। इसका अंदाज़ा IPL 2024 में उनके प्रदर्शन को लेकर लगाया जा सकता है। साथ ही अगर भारतीय टीम प्रबंधन रविंद्र जडेजा की जगह शाहबाज पर निवेश करता तो भारत को एक और बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकता था। IPL 2024 में शाहबाज ने किया है शानदार प्रदर्शन। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी ठीक ठाक है, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने अक्सर भारत को निराश किया है। इसके उलट अगर शाहबाज के सिर्फ IPL में बल्लेबाजी प्रदर्शन पर नज़र डालें तो उन्होंने IPL 2024 में 16 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 25.9 की औसत और 130.2 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। निचले क्रम में 215 रन बनाए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।